देवोत्थानी एकादशी के उपलक्ष्य में सैनी समाज की तरफ से युवक युवती विवाह सम्मेलन बल्लभगढ़ के आदर्श नगर स्थित बारात घर में आयोजित किया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में 6 जोड़ों की शादी कराई गई। सैनी समाज की तरफ से सांसद नायाब सिंह सैनी और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जबकि मूलचंद शर्मा ने भी सांसद नायाब सिंह सैनी का बल्लभगढ़ पहुँचने पर स्वागत और सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सैनी समाज द्वारा ये एक अच्छी पहल है। इस तरीके के आयोजनों से समाज में भाईचारा बढ़ता है और उन्होंने सैनी समाज की मांग पर ये भी कहा कि आदर्श नगर भीमबाग के सामने बनाए गए बारात घर का नाम शहीद नाहा सिंह के साथ शहीद हुए उनके सेनापति शहीद गुलाब सिंह सैनी के नाम पर रखा जाएगा। मेरे छोटे भाई नायब सैनी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हम दोनों भाइयों ने पिछले समय में मित्र और भाई बन के भारतीय जनता पार्टी में हमने काम करा और मुझे इस बात की खुशी है कि हम दोनों भाइयों को भारतीय जनता पार्टी बहुत सम्मानती है। मेरे भाई पहले मंत्री रहे थे 2014 से 2019 तक, अब लोकसभा के सांसद हैं और मुझे भी हरियाणा सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और संगठन जी जिम्मेदारी दी। कभी इतिहास में भी कल मैं ऐसे भाई के यहाँ आने पर आज देव इतिहास है, कोरोना का कोप है, हम थोड़े लोग इकट्ठे हुए हैं बीमारी को देखते हुए और सैनी समाज जो एक सामूहिक विवाह का जो निर्णय लिया है मैं उसका धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए कह दिया हम 5-5 आदमी इस शादी के समारोह में रखेंगे, मैं उनके फैसले का भी बहुत स्वागत करता हूँ। बल्लभगढ़ के लोग, बल्लभगढ़ के महानुभाव सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा यहाँ से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री मिला है मूलचंद जी शर्मा। आप लोगों की बहुत लंबे समय तक सेवा करें,